अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। नाज़रीन, आज हम रोज़ा और सहरी के मौज़ू पर गुफ्तगू करेंगे। सहरी रोज़े का एक अहम हिस्सा है। दूसरे लफ्ज़ों में रोज़े की इब्तिदा सहरी से होती है। ये सहरी क्या चीज़ है और इसकी क्या अहमियत है और इसका वक्त कब होता है? कुरान पाक में इसके बारे में अल्लाह सुभानु ताला ने फरमाया, कुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र। खाओ और पियो यहाँ तक के वाजे हो जाए तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा स्याह धागे से फजर के वक्त। जब यह आयत नाजिल हुई तो एक सहाबी ने रात के वक्त अपने सरहाने के नीचे एक सफ़ेद धागा रख लिया और एक स्याह धागा रख लिया और वो रात भर देखते रहे कि किस वक्त इन दो धागों का फ़र्क मालूम होगा। जब वो इस चीज़ को पहचान न पाए तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में ज़िक्र किया तो आपने फरमाया कि इससे मुराद स्याही शब की धारी है और सुपैदा सुबह की धारी है, यानी जब रात और दिन आपस में अलग अलग नज़र आना शुरू हो जाएं या दिन का आगाज़ एक तरह से या फजर का आगाज़ एक तरह से नुमाया होने लगे तो वो वक्त सहरी का वक्त होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहरी के लिए आजान हुआ करती थी। एक मुत्तफक अलैह रिवायत के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात को सहरी से कबल आज़ान दे दिया करते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक खाओ पियो जब तक कि इब्ने उम्मे मक्तूम आज़ान न दे दें, इसलिए कि इब्ने उम्मे मक्तूम एक सहाबी का नाम है, उस वक्त तक आज़ान नहीं देते जब तक फजर न हो जाए। और सहरी में ये बात बहुत अहम है कि इंसान कुछ ना कुछ खा ले या कुछ पी ले, क्योंकि बग़ैर खाए पिए रोज़ा रखना कुछ पसंदीदा नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बार फरमाया, तुम लोग विसाल से बचो या सौमे विसाल से बचो। अहले किताब और मुसलमानों के रोज़ों में जो फ़र्क है वो सहरी ही को करार दिया। मुस्लिम की एक हदीस में आता है, عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلت السحر। حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تاکید بیان کرتے ہوئے فرمایا कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। मुसनद अहमद की एक रिवायत के मुताबिक आपने फरमाया कि सहरी खाना बायस बरकत है, इसे मत छोड़ो चाहे कोई एक घूंट पानी ही पिए, क्योंकि अल्लाह सुभानहु ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। हज़रत अनस से भी रिवायत है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، कि सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। गोया ये एक बाबरकत खाना है और पसंदीदा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा दीन हमें एतदाल सिखाता है। जहाँ दिन भर खाने पीने से बचने के लिए कहा गया, वहाँ रोज़े के इब्तिदा में या आगाज़ में खाना खाना या कुछ भी खाना पसंदीदा करार दिया गया और कुछ न खाना इससे मना किया गया। आमतौर पर होता यह है कि जब हम एक काम शुरू करते हैं फिर उसमें हमें लुत्फ आने लगता है, फिर हम उसे करते ही जाना चाहते हैं, लेकिन नेकी के काम में भी एतदाल ज़रूरी है और इंतहा पसंदी दुरुस्त नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि सहरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारक नाश्ते का नाम दिया।
इरबाज बिन सारिया से रिवायत है, कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में मुझे अपने साथ सहरी खाने के लिए बुलाया और फरमाया कि हलुम्मा इलल गदा इल मुबारक, आओ मुबारक नाश्ते के लिए। यानी आपने सहरी की दावत किस तरह दी कि आओ मुबारक नाश्ते के लिए। सहरी आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, बाकायदा खाना भी खा सकते हैं, खजूर भी खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप सहरी कर सकते हैं। लेकिन सहरी के वक्त खजूर खाना पसंदीदा अमल है। अन अबी हुरैरा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر, आपने फरमाया कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी खजूर है। अब सहरी से मुतल्लिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर बहुत से लोग सिर्फ सहरी इसलिए नहीं खाते कि वो सुबह उठ नहीं सकते या उनको उठना मुश्किल लगता है। तो ज़ाहिर है कि अगर हमें ये मालूम हो कि सहरी खाने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं और ये एक बाबरकत चीज़ है और सहरी खा कर रोज़ा रखना ज़्यादा अजर व सवाब का बायस है, तो हम उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश किस तरह की जाए, तो उसमें पहली चीज़ तो ये है कि रात को जल्दी सोया जाए। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि नमाज इशा के बाद आप बातें करने को नापसंद करते थे और सो जाया करते थे। तो गोया अगर रात के वक्त इंसान जल्द सो जाता है तो सुबह सहरी के वक्त उठने में उसको मदद मिल सकती है। फिर इसी तरह यह है कि अगर किसी को उस वक्त खाना पकाने में मुश्किल हो तो आप ये भी कर सकते हैं कि रात के वक्त कुछ तैयारी करके सो जाएं। और अगर खाने को दिल ना भी चाहे तो कोई ऐसी चीज़ इख्तियार कर लें जो आपकी पसंदीदा हो, या फिर ये है कि उस वक्त आप थोड़ा सा ही कुछ ले लें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये आदत आप डेवलप कर सकते हैं। अगर एक दिन आप थोड़ा सा खाएंगे फिर दूसरे दिन थोड़ा और खा सकते हैं। और फिर ये भी है कि खाने में इत्तदाल बरतना चाहिए, ऐसी चीज़ें खाने से भी परहेज़ करना चाहिए कि जिससे आपको तकलीफ़ हो और आपको भारीपन महसूस हो, क्योंकि उससे फिर इबादत की लज्जत ख़त्म होकर रह जाती है। बाज़ वक़्त ये देखा गया है कि लोग सहरी के वक्त से सही फ़ायदा नहीं उठाते। सहरी का वक्त एक बहुत बाबरकत वक्त होता है, उस वक्त दुआएँ कबूल होती हैं, उस वक्त अल्लाह के हुजूर झुकना और खुशू खुजू से नमाज अदा करना एक बेहतरीन इबादत होती है। अगर उस वक्त थोड़ा बहुत खाने के बाद इंसान अपने वक्त को जिक्र इलाही में गुजारे तो ये इंसान के लिए बहुत सआदत का बायस हो सकता है और उसकी रूहानी कुव्वत में मज़ीद इजाफे का सबब हो सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि बाज़ औक़ात लोग इस वक्त फिर सो जाते हैं। फिर इसी तरह ये कि बाज़ लोग उस वक्त को बातचीत करने में, टेलीफोन करने में, गपशप में गुजार देते हैं। तो फजर का वक्त बहुत सुहाना वक्त होता है, उस वक्त को रोज़ा रखने के बाद नमाज पढ़िए, नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत कीजिए, क्योंकि इन कुरान अल-फज्र काना मशहूदा, उस वक्त फरिश्ते हाजिर होते हैं। जिक्र अज़कार कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम कुछ मखसूस अज़कार भी किया करते थे जो सुबह शाम की दुआओं के नाम से मारूफ हैं, वो दुआएं हिफाजत की दुआएं भी हैं। तो अगर उस वक्त इंसान उन दुआओं को पढ़ता है तो वो उसके लिए बहुत अजर व सवाब का बायस है। फिर इसी तरह यह है कि सहरी खाते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास वो लोग जो सहरी पकाने में या सर्व करने में हमारे मददगार हैं, उन लोगों के लिए भी इतना वक्त बच जाए कि वो भी अच्छे तरीके से सहरी कर सकें। क्योंकि अमूमन लोग अपने सर्वेंट्स को या अपने खिदमतगारों को इतना मौका नहीं देते कि वो इत्मीनान से खा सकें। हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है कि हम दूसरों का भी ख्याल रखें, दूसरों की गमगुसारी करें और दूसरों की मदद करें। तो अगर हम अपनी इबादत के वक्त खुद गर्ज हो जाएंगे और दूसरों का लिहाज नहीं रखेंगे तो इससे इबादत की सही रूह को नहीं पा सकेंगे। बहरहाल सहरी से मुतल्लिक अगर आपके जहन में कुछ मज़ीद सवाल हों ताकि इस मौजू को मज़ीद वाज़ेह किया जा सके तो आप सवाल कर सकते हैं। स्वामी, विसाल से क्या मुराद है? विसाल का लफ्ज़ वसल से है जिसका माना है मिलाना। अहले किताब में रोज़े के मुख्तलिफ तरीके राइज थे जिसमें से एक तरीका सौम विसाल का था और उसकी भी कई शक्लें थीं। मसलन एक शक्ल ये थी कि एक शख्स फ़र्ज़ रोज़ों के सिवा नफली रोज़े इस तरह से रखे
कि बग़ैर वक्फे के मुसलसल महीने महीने या दो महीने के रोज़े रखता चला जाए। और सौमे विसाल की दूसरी शक्ल ये थी कि एक शख्स सहरी खाकर दूसरी सहरी तक मुसलसल रोज़ा रखे और बीच में कुछ न खाए पिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है, क्योंकि ये इंसान के ऊपर बहुत मशक्क़त का सबब बन जाता है, और इस तरह की फाका कुशी जो है उसमें फिर इबादत की स्पिरिट कम हो जाती है और नफ्स कुशी का एक दूसरा रुझान पैदा होता है जो पसंदीदा नहीं। क्योंकि इस्लाम में इबादत की गर्ज या मकसद अजियत देना नहीं है, तरबियत करना है जी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अजानें हो रही होती हैं और हमारी आंख खुलती है, तो ऐसे में जल्दी से उठ के कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और अमूमन ऐसा होता है कि आखिरी अजान होने तक खाते ही रहते हैं, तो क्या इस तरह से रोजा हो जाता है? इसमें आप देखिए कि सहरी खाने में ताखीर जो है वो पसंदीदा है। अब अजानों के औकात बाज़ोकात मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि सब अजानें सहरी के इख्तिताम का ऐलान नहीं होती, इसलिए आपके पास ऐसा कैलेंडर या चार्ट होना चाहिए जिससे आपको ये मालूम हो कि सहरी खाने का वक्त कब तक है। लेकिन यह है कि यह समझना कि बहुत जल्दी सहरी खा लेने से ज़्यादा सवाब मिलेगा तो ऐसा नहीं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि तीन बातें अखलाक नबुव्वत में से हैं, नंबर एक रोज़ा जल्दी इफ्तार करना, नंबर दो सहरी देर से खाना यानी आखिरी वक्त तक खाना, और नंबर तीन नमाज में दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखना। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत है कि आपने फरमाया, जब कोई आदमी आजान सुने और पीने का बर्तन उसके हाथ में हो तो उसे फौरन ना रख दे बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले। तो अगर एक शख्स ऐसे वक्त में उठा है कि जब आजान हो रही है, अब उस वक्त में कुछ खाने का वक्त तो नहीं होगा, कुछ पी सकता है, मसलन दूध का गिलास पी सकता है, एक आध खजूर खा सकता है, तो दो चार मिनट का वक्त उसको मिल सकता है, तो उसमें आजान के इख्तिताम तक अगर वो अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन फिर ये याद रहे कि आजान सहरी के इख्तिताम की आजान नहीं होती, वो नमाज फजर के ऐलान के लिए होती है। अगर आपके पास ऐसा निज़ामुल औकात है जिससे आपको ये पता चल जाए कि सहरी का आखिरी वक्त कौन सा है और उससे दो चार मिनट आगे पीछे हो जाए, तो इंशाल्लाह ताला रोज़ा हो जाएगा। अगर किसी वजह से सहरी नहीं कर सके तो क्या सहरी किए बगैर रोज़ा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रोज़ा हो जाएगा। अगर आपने रात को सोने से पहले ये नियत की थी कि सुबह मैं रोज़ा रखूँगी, तो इंशाल्लाह ताला अगर सहरी नहीं भी खाई तब भी रोज़ा हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी आज की गुफ्तगू का वक्त ख़त्म होता है। कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।